हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं ये हायाबुसा स्टाइल हैंडल। तो स्पोर्ट बाइक किसी में भी ये इंस्टॉल हो सकता है, जैसे R15 में भी हो जाएगा, पल्सर में भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम इसको जो है स्प्लेंडर प्लस में इंस्टॉल करके देखेंगे। तो गाइस, थोड़ा बहुत आपको जो है जुगाड़ लगाना पड़ता है ऐसे हैंडल को इंस्टॉल करने के लिए। प्रॉपर फिट नहीं आता है, लिखा होता है यूनिवर्सल, लेकिन यूनिवर्सल होते नहीं है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो रह जाती है। तो चलिए सीधा इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ये हैंडल भी जो है थ्री पीस में आता है, एक सेंटर वाला पीस होता है और दो इसके साथ पाइप होती है। तो ये इसको लगाना काफ़ी इजी होता है, जस्ट आपको ये जो सेंटर वाला पीस है इसको ऐसे प्लेस करना है और यहाँ पर जो आपके 10 नंबर वाले बोर्ड लगे होते हैं पहले वाले, उसको खोल के जस्ट इसको लगा के और वापस से उनको टाइट कर देना होता है। उसके बाद ये यहाँ पर जो पाइप्स हैं इनमें जो है एलन की के जहाँ पर जो है बोर्ड लगे रहते हैं, इनको खोल के आपको जस्ट ऐसे पाइप को एक साइड से डाल के और दूसरे होल से यहाँ पर आपको जो है एलन की का ये बोल्ट है इसको टाइट करना होता है। तो भाई यहाँ पर जो है 8 नंबर की एलन की लगती है और साथ ही में यहाँ पर एक छोटा वाला जो एलन की का बोल्ट भी दिया गया है, इस पर जो है छोटी वाली एलन की लगेगी, तो इसको भी आपको जो है टाइट करना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस, अभी जो है हम इसको जो अपनी बाइक में लगाते हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी बाइक की ओर। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो है पुराना वाला जो हैंडल है उसको खोलना पड़ेगा और नए वाले को यहाँ पर इसको जो है लगाना है हमें। तो सबसे पहले इसका जितने भी यहाँ पर जो है इसका ग्रिप वगैरह है उनको खोलना पड़ेगा, साथ में जो इसके स्विच वगैरह है उनको खोलना पड़ेगा। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इसमें मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि कैसे इसको मैंने खोला, तो जो पुराने वाली हैंडल की मेरी वीडियो वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने अकेला अकेला स्टेप आपको करके बताया है। तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं जल्दी बताता हूँ इसको। तो चलिए, इस पुराने हैंडल को मैंने अभी निकाल दिया, अभी ये जो नया वाला हैंडल है इसको जस्ट यहाँ पर प्लेस करना है। और प्लेस करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, एक्चुअली इसके जो चार जो इसके बोल्ट है वो चारों बोल्ट नहीं लगेंगे, यहाँ पर तीन बोल्ट ही हमें जो है लगाने हैं और चौथा बोल्ट नहीं लगेगा। उसके लिए या तो आप जुगाड़ कर लीजिएगा, जुगाड़ भी बहुत मुश्किल होगा इसका। तो क्या यहाँ पर आप देखते हैं जो जो हैंडल के यहाँ पर जो होल है ये प्रॉपर अलाइन नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम जो है बोल्ट नहीं लगा सकते ऐसे। तो इसको अलाइन करने के लिए यहाँ पर जो हैंडल के माउंट लगे रहते हैं इनको थोड़ा घुमाना पड़ेगा। घुमाने के लिए इसको जो है नीचे इसके जो एक नट लगा रहता है 17 नंबर का, उसको थोड़ा ढीला करोगे आप तो ये जो आप माउंट को ऐसे घुमा सकते हो और घुमाने के बाद आप इसको जो अलाइन कर सकते हो। तो चलिए, इसको मैं अभी खोल लेता हूँ। तो जस्ट आपको थोड़ा सा इसको लूज़ करना है, उसके बाद ये जो हैंडल के माउंट है इनको आप जो है आसानी से ऐसे घुमा सकते हो और घुमा के हम जो है इसको अभी अलाइन कर लेंगे। तो चलिए, अभी ये घूम सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इसके जो नट है वो प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ऐसे अलाइन करके ऊपर इसके जो है दोनों जो ऊपर वाले बोल्ट हैं उनको सबसे पहले टाइट करना है, क्योंकि ऊपर से जो इसकी अलाइनमेंट है वो एक साथ रहनी चाहिए ऐसे सीधी। अगर आप ऐसे करोगे कि एक जो है मतलब क्रॉस वाइज वो करोगे तो वो मतलब वो एक साइड में रहेगा हैंडल। तो सबसे पहले आपको जो दो ऊपर वाले हैं उसको जो टाइट करना है, उसके बाद आपको जो है एक आप कहीं भी लगा सकते हो, मतलब चाहे तो आप लेफ्ट वाले में एक बोल्ट लगा सकते हो, चाहे तो राइट वाले में एक बोल्ट लगा सकते हो, मतलब कि ये तीन ही इसके जो है बोल्ट टाइट होंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट वाले में लगा लेता हूँ, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर बोल्ट लगा लेता हूँ और इनको जो है मैं अच्छे से अभी टाइट कर देता हूँ। तो गाइस, आप देखते हैं अभी ये प्रॉपर हो चुका है अभी काम, और ये जो मैं नट ऐसे डाल रहा हूँ इसका जो है हम आगे वाली वीडियो में कुछ यूज़ करेंगे, यहाँ पर कुछ लगा देंगे। तो गाइस, इस टाइप से ये बन जाएगा। उसके बाद हम इसके जो है अभी जो इसके स्विच कंसोल वगैरह और थ्रोटल वगैरह उसको अभी डालेंगे। तो क्या ये मैं आपको जो है पूरा जो है फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको एक बात का मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक होल करना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो थ्रोटल वाली साइड है वैसे अगर उसमें जो है ऐसे स्टॉपर नहीं रहता तो ऐसे घूमता रहता है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है ड्रिल से आपको एक छोटा सा होल बनाना है और उसके बाद यहाँ पर आप जो है कोई नट वगैरह ऐसे लगा सकते हो और ऐसे ही घूमेगा नहीं। तो इसको मैं फर्स्ट फ्लोर में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है हैंडल की जो है एडजस्टमेंट का देखेंगे कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो
तो गाइस अभी हमारा पूरा जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको जो है इसकी एडजस्टमेंट का बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके नुकसान क्या क्या है इस हैंडल को लगाने के वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर जो इसका लेफ्ट और राइट वाला जो ग्रिप है उसको जो है आप अलग अलग जो है एडजस्ट कर सकते हो, तो दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैं आपको लेफ्ट वाले का बताता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखते हैं एक जो यहाँ पर बोल्ट लगा रहता है, ये 14 नंबर का बोल्ट है, इसको आपको लूज करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस ये जो 8 नंबर का है छोटा वाला जो बोल्ट है इसको भी आपको थोड़ा लूज करना, और इसके बाद आप इसको जो है इस टाइप से मूव करके अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप जो है अपने हिसाब से आप अपने पास में इसको लेके आ सकते हो, चाहे तो थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा सीधा कर सकते हो इसको। इसी टाइप से आप जो है राइट पे का भी कर सकते हो। इसको एडजस्ट करने के बाद इसके जो यहाँ पर जो दोनों बोल्ट हैं इनको आपको टाइट कर देना वापस से, इस टाइप से इसकी जो है एडजस्टमेंट होगी। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ अपने साइज मतलब अपने हिसाब से इसको जो एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में अभी आपको इसके जो क्या नुकसान है इसको लगाने के वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। आप देखते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है हैंडल, और आप देखते हैं इसका जो मीटर कंसोल है काफ़ी मतलब एक अच्छी डैशबोर्ड की लुक आ रही है निकल के। और इसके मैं आपको भी कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके प्रोज और कॉन्स जो है वो आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस इसके जो आपको फायदे तो पता ही है, स्पोर्टी लुक आती है बाइक को और आपको जो चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, और अपना जो चॉइस होती है अपना जो शौक होता है उसके हिसाब से आप इसको लगा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो स्विच कंसोल है लेफ्ट वाला वो इसकी टंकी के साथ जो है ऐसे अटैच हो रहा है, तो ये वाला जो अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो फिर मेरे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। एक तो इसका नुकसान ये है। दूसरा नुकसान गाइस जब आप इसको लगाते हो तो आपका जो स्ट्रोक वाला हैंडल होता है उसकी जो हाइट थोड़ी ऊपर होती है, इसकी थोड़ी डाउन हो चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो आपकी ये वायर्स होती है जैसे कि आपके थ्रोटल वाली वायर होगी, ब्रेक वाली वायर होगी, क्लच वाली वायर होगी या फिर मीटर वाली वायर होगी, ये थोड़ी लंबी हो जाती है वायर। मतलब ये इसका यहाँ पर जो है ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, और अगर वायर इसकी जो है मुड़ी रहेगी तो आपका जो ब्रेक लगने में भी थोड़ा ऐसे जो है वो होगा कि मतलब फंस जाएगी आपकी ब्रेक। तो ऐसे जो है इसके साथ जो है दिक्कत आती है, और बाकी आपको पता ही है इसका जो ऐसे मतलब यहाँ पर आपको होल वगैरह एक्स्ट्रा करवाने पड़ते हैं, और जैसे कि आपको पता होगा अभी यहाँ पर 3 मैंने जो नट लगाए थे वो भी मतलब इसमें इशू है। ये वाले जो है आप लेके चलेगा अगर आप इसको जो है लगाना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ इसकी वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। बाय बाय एंड टेक केयर।